लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, वो था सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हमने फोकस किया था रिलेशनशिप प्रीरिक्विजिट्स फॉर फ्यूचर सक्सेस। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था चेंजिंग द नेचर कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप, ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स मटेरियल्स मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अ प्रॉस्पेक्टिव, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रेजेंटिव, सप्लाई चेन अलायंसेस मैक्सिमाइजिंग सक्सेस, एंड फिर सेट ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी अलायंसेस, सप्लाई चेन रिलेशनशिप एग्जाम्पल हमने कॉकन गवर्नमेंट एंड वेलमार्ट की देखी थी, डेल और माइक्रोसॉफ्ट की, वर्टिकल सप्लायर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, मिल अलायंसेस ऑलवेज वर्क्स, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन जनरल, coordination and integration, besides the types of relationship, third party logistics, और यहाँ पर हमने last class को भी wind up किया था। आज हम अपने class को शुरू करेंगे। According to respect, most hundred person, also sense of this priority is captured in the view from the noted management view. Rebel most and to who stated that being a good partner has become a key corporate asset in the global economy. A well-developed ability to create and sustain fruitful collaboration gives companies to significant legs up. आज की global economy में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टफुल पार्टनर जो है एक उसके लिए कॉर्पोरेट एसेट की हैसियत रखता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की सक्सेस की डिपेंडेंसी में जो एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है वो उनकी अलायंसेस या उन पार्टनर्स का होता है जो कि उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिस्टिक रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास है टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिलेशनशिप। इसमें एक वर्टिकल रिलेशनशिप हमारे पास आता है, एक ऑप्शन हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप के अंदर हम इट रेफर टू द ट्रेडिशनल लिंकेज बिटवीन फर्म between traditional linkages between firm in a supply chain such as retailer, distributor, manufacturer and partner and material suppliers. तो जो supply chain के अंदर vertical relationship होता है, इस relationship में हमारा जो direction होती है वो हमारी direction होती है distributor की तरफ, manufacturer की तरफ, parts and material supplier की तरफ। ये तमाम वो फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर एक मेन इन्फ्लुएंस रखते हैं और जिनकी बुनियाद पर बिजनेस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। वर्टिकल रिलेशनशिप के अंदर अगर हम देखें, दिस फर्म रिलेट टू अदर इन द वेज ऑफ द बायर एंड सेलर डू इन ऑल इंडस्ट्रीज एंड सिग्निफिकेंट अटेंशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट this relationship help to achieve individual firm and supply chain objectives. किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक सिग्निफिकेंट अटेंशन या उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए उनकी उस वर्क की तरफ, उस डायमेंशन उनकी होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ जो उन रिलेशनशिप की बुनियाद पर अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो
जिससे हम सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं. लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन्वॉल्व ऑन डे टू डे बेसिस एज दे सर्व देयर कस्टमर इन दिस ट्रेडिशनल वर्टिकल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. लॉजिस्टिक्स में जो हमें सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो डे टू डे बेसिस पर अपनी सर्विस की बुनियाद पर हमारे बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कि नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनली या वर्टिकल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं. इस वर्टिकल या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के जरिए जो हम बेनिफिट हासिल करते हैं, इसमें हमारे पास टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के जरिए हासिल की जाती है. हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें, द सेकेंड टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिलेशनशिप इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर एंड इंक्लूड दोज बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन फर्म दैट हैव पैरेलल और कोऑपरेटिव पोजीशंस इन द लॉजिस्टिक प्रोसेस. टू बी प्रिसाइज, अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मे बी थॉट ऑफ एज द सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन टू अ मोर इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर. Firm based on the trust corporation share risk and investment and following mutually agreeable goals. तो जो हमारे horizontal relationship है, ये हमारे relationship की second type होती है, और इन relationship के अंदर जो include होते हैं वो तमाम business agreement जो मुख्तलिफ firm parallel करती है एक दूसरे को benefit फराहम करने के लिए in the direction of logistics services. ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो कि सर्विस एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के दरमियान, जिसकी बुनियाद पर वो शेयर करते हैं रिस्क को, शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट को, शेयर करते हैं फॉलोइंग मुचुअली एग्रीमेंट गोल्स को. तो मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के दरमियान होने वाले रिलेशनशिप को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. Horizontal relationship, each firm is expected to contribute to the specific logistic services in which they specialize, and each exercises control of those tasks while striving to integrate its service with those of the other logistic provider. An example of this may be a transportation firm that finds itself working along with a contract warehousing firm to satisfy the needs of the same customer. ये हमारी horizontal relationship के अंदर जो logistic provider होते हैं, जो contribute करते हैं specific logistic services को, जो specialize होते हैं उन तमाम working और उन तमाम exercises के अंदर, जिसके अंदर वो striving और integrate करते हैं different services को, ये वो तमाम दीगर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स होते हैं. इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन फर्म दैट फाइंड इटसेल्फ वर्किंग अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट वेयरहाउसिंग. ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज और वेयरहाउसिंग की सर्विसेज, इन दोनों का एक दूसरे से बड़ा अहम रिलेशनशिप है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस डिपेंडेंट है वेयरहाउसिंग की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो एक अहम डायरेक्शन है वो होती है लोडिंग और अनलोडिंग. अब चाहे लोडिंग का मरहला हो तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वेयर हाउस से, और अगर अनलोडिंग का मरहला हो तो भी हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वेयर हाउस से. तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बिटवीन टू वेयर हाउस, यहाँ से वो लोड और दूसरी जगह पे अनलोड, तो इनके दरमियान जो होने वाली रिलेशनशिप है ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के अंदर कॉपरेशन बिटवीन द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर एंड अ फर्म इन द सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप.
जो हमारी कॉपरेशन होता है बिटवीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर जो कि रोल प्ले करते हैं हमारी सप्लाई चेन के अंदर बहुत अहम होता है। ये जो सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसकी जो हमारा रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। दिस पार्टीज हैव पैरेलल और इक्वल रिलेशनशिप इन द लॉजिस्टिक प्रोसेस एंड लाइकली नोटेड वर्क टूगेदर इन अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल वेज टू सी दैट कस्टमर लॉजिस्टिक ऑब्जेक्टिव आर मीट। इन पैरेलल और इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो हम लॉजिस्टिक सर्विसेज हासिल करते हैं इन तमाम के कॉलेब्रेशन और कंट्रीब्यूशन से उसके जरिए हम फाइनली तौर पर जो है लॉजिस्टिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर हैं अगर इनके दरमियान आपस में कोलैबोरेशन इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप ना हो तो हम कभी भी लॉजिस्टिक ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर सकते। इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट द रेंज ऑफ सप्लाई चेन रिलेशनशिप टाइप्स एक्सटेंड फ्रॉम दैट ऑफ द वेंडर टू दैट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सप्लाई चेन रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे बुनियादी तौर पर वेंडर्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का हिस्सा होते हैं जो हमारे बिजनेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं इनके साथ हमारे बेहतर रिलेशनशिप हमारे बिजनेस के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोर ट्रेडिशनल वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट अ वेंडर इज प्रेजेंट It simply by a seller or provider of the product or service. Such there is a little or no integration or the collaboration with the buyer or purchaser. जो vertical contacts और bundle होते हैं हमारे पास जो present करते हैं simply the seller provider from product or services जो कि सेलर की तरफ से प्रोडक्ट और सर्विसेज फराहम की जा रही होती है इनके दरमियान जो इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन होती है जो कि किसी बायर और परचेजर के जरिए होती है ये बड़ी अहम होती है क्योंकि इस इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन के बगैर हम अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर अगर हम बात करें रिलेशनशिप विद अ वेंडर इज ट्रांजैक्शनल एंड पार्टीज टू वेंडर रिलेशनशिप आर सेट टू बी अ आर्म्स लेंथ आई सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। हमारे जो वेंडर्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांजैक्शन एंड पार्टीज होते हैं वेंडर रिलेशनशिप आर सेट टू बी आर्म्स लेंथ क्योंकि हमारे लिए तो आर्म लेंथ की हैसियत रखते हैं इनके दरमियान जो है एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होता है जो कि होना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस के अंदर अननेसेसरी चेंजिंग आ जाए तो इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो मुतासिर होती है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने में रुकावट साबित होती है। एनालॉजी ऑफ सच रिलेशनशिप बैड एक्सपीरियंस बाय वन who use vending machine in appropriate analogy जो use की जाती है relationship के तौर पर experience की गई है एक vending machine के अंदर कि किस तरीके से एक vending machine और उसके use करने वाले के दरमियान जो हमारा एक interaction या उनके दरमियान जो एक रिलेशन डेवलप होना चाहिए उसका डिजाइन उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। इंटेंसिटी इन्वॉल्वमेंट इन दिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप सजेस्ट अ रिलेटिवली लो और नॉन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द पार्टीज। ये एक ये जो हमें एडवाइस करते हैं ये ऐसे रिलेशनशिप पर एडवाइस करते हैं जिसके अंदर रिलेटिवली लो और नो एग्जिस्टेंस जिसके अंदर या तो बहुत कम
या बिल्कुल नहीं इन्वॉल्वमेंट होती पार्टीज के दरमियान. देर आर अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर विच दिस ऑप्शन इज डिजायरेबल. कुछ खास किस्म की ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, कुछ खास किस्म के ऐसी डील्स होती हैं जिसके अंदर ये हमारे डिजायरेबल ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है. वन टाइम और इवन मल्टीपल परचेज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल मैनी सर्विस गेट एंड आर्म लेंथ सप्लाई चेन रिलेशनशिप वुड बी अप्रोप्रिएट. Alternatively, the supplier relationship management suggested by a strategic alliance is one in which two or more business organizations cooperate and willingly modify their business objectives and practice to help achieve long-term goals and objectives. किसी भी बिजनेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी अचीवमेंट में उनके बुनियादी तौर पे अहम रोल होता है स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस के ऊपर. जितने बेहतर तौर पे आप स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस डेवलप करेंगे उतने ही पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के. चाहे ये अलाइंसेस दो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, चाहे ये अलाइंसेस दो ग्रुप या दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हो जो कि एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर सपोर्ट करने के लिए विलिंग हो, तो जब हम इस तरह के अलाइंसेस को डेवलप करते हैं तब जाकर हमारी एक क्लैरिटी होती है टूवर्ड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. The strategic alliances by definition is more strategic in nature and it is highly relational in term of the fund involved. हम जब strategic alliances की बात करते हैं तो अगर हम इसकी definition को focus करें तो ये जो definition है वो है strategic in nature. यानी हम by nature जो strategic decision लेते हैं ये हाईली रेशनल टर्म ऑफ द फर्म इन्वॉल्व, जिसके अंदर फर्म की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हाई लेवल पर होती है और इस दरमियान इंटरमेट टैक होने वाले डिसीजन मेकिंग का जो इंप्लीमेंट होता है वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है. This form of supplier relationship management typically benefits the involved parties by reducing uncertainty and improving communication. ये जो हमारा supplier relationship management है इसकी बुनियाद पर हम future में होने वाली uncertainties को control या minimize करते हैं और इस uncertainty को control या minimize करने में जो हमारा अहम रोल होता है वो होता है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना विद रिलेशन ऑफ सप्लायर. जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, उतनी ज़्यादा हमारी तमाम बैरियर जो है वो कम हो जाते हैं जो कि हमारी एफिशिएंसी को मुतासर करते हैं और अनसर्टिनिटी को बढ़ाते हैं. इंक्रीजिंग द लॉयल्टी एंड इस्टेब्लिशिंग a common vision and helping to enhance global performance. जब हमारी relationship smooth होते हैं towards supplier, हमारे relationship strong होते हैं तो definitely जो फायदा उत्पन्न होता है in the shape of loyalty, कि जो हमारी loyalty है वो बढ़ती है, हमारी establishing होती है common vision की,
है ग्लोबल परफॉर्मेंस, जो कि रीजन बनती है हमें ग्लोबली परफॉर्म करने की। आज के दौर में वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबली प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेज कर रहे हैं, उनकी इस ऑपरेशन के या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में जो अहम रोल है वो है उनके उन रिलेशनशिप का जो उन्होंने डेवलप किए हैं अपने सप्लायर के साथ, जिनकी बुनियाद पर वो ग्लोबली परफॉर्म करने की पोजिशन में है। अल्टरनेटिवली द चैलेंजेस विद दिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इंक्लूड द फैक्ट दैट इट इम्प्लाई हैवी रिसोर्सेज कमिटमेंट्स बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाईली स्विचिंग कॉस्ट। यहाँ पर जो एक अहम चीज है वो है अल्टरनेटिव ऑप्शन, जो कि बिजनेस के अंदर हमारे नॉर्मली जो है अवेलेबल होते हैं और जिनको ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग हम अडॉप्ट करते हैं। ये जो चैलेंजेस विद द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इंक्लूड फैक्टर ऑफ द इम्प्लाइज हैवी रिसोर्सेज कमिटमेंट बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट एंड हाईली फ्यूचर कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जब वो बेनिफिट जो हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को अवेल करने पर नजर आ रहा होता है, और स्विचिंग कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जब हम एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर तक जब हम स्विच करने जा रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर होते हैं वो स्विचिंग कॉस्ट कहलाते हैं। इसी एग्जाम्पल है कि जब हम एक सप्लायर से डील कर रहे हैं तो ऐसे में इंडस्ट्री में एक दूसरा सप्लायर जो हमें सेम मटेरियल या सेम हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, तो उसकी जो है कॉस्ट जो है हमारे सप्लायर या उसकी जो प्राइस ऑफ मटेरियल और क्वालिटी हमारे सप्लायर से ज़्यादा बेहतर है, प्राइस कम है क्वालिटी बेहतर है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हम उस सप्लायर को छोड़ के नए सप्लायर से लो प्राइस में हाई क्वालिटी मटेरियल। लेकिन स्विचिंग कॉस्ट ये है कि हमारा जो प्रीवियस सप्लायर है उसने हमारा क्रेडिट बर्डन बेयर किया हुआ है और ऑलमोस्ट 5 मिलियन जो है वो हमारे क्रेडिट यानी हमारे जो लाइबिलिटी है वो 5 मिलियन की है टूवर्ड सप्लायर। अब ऐसे में हमें उस सप्लायर को वाइंड अप करके दूसरे सप्लायर पे जाने के लिए 5 मिलियन की जरूरत है, जो कि एक अमाउंट है, ये हमारी स्विचिंग कॉस्ट है। तो नॉर्मली जो है हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन को अडॉप्ट करने के लिए देखना पड़ता है कि डिफरेंस कितना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और स्विचिंग कॉस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो और स्विचिंग कॉस्ट कम हो तो हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेल कर लेना चाहिए, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो ज़्यादा हो और स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो और स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा हो तो ऐसे में हमें उसी सप्लायर को कंटिन्यू रखना चाहिए जो प्रीवियसली हमें फैसिलिटेट कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट लर्निंग मोर टू वर्क स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड ऑफ द स्केल ऑफ पार्टनरशिप रिप्रेजेंट अ कस्टमाइज्ड बिजनेस रिलेशनशिप दैट प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर द पार्टी फॉर ऑल पार्टीज दैट इज मोर एक्सेप्टेबल देन वुड बी अचीव इंडिविजुअली। पार्टनरशिप आर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज बीइंग कोलैबोरेटिव। हमारे जो बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं ये पार्टनरशिप के तौर पर होते हैं, पार्टनरशिप के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमाइज बिजनेस रिलेशनशिप, जितने हम बिजनेस रिलेशनशिप को कस्टमाइज करते हैं प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ ऑल पार्टीज जिसमें तमाम पार्टी के बेनिफिट शामिल होते हैं एंड मोर एक्सेप्टेबल देन वुड बी अचीव इंडिविजुअली दिस पार्टनर फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज बीइंग कोलैबोरेटिव। यानी एक ऐसा अलायंस एक ऐसा इतिहाद जिसके अंदर सब एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ से मैक्सिमम तौर पर बेनिफिट फराहम कर रहे होते हैं, यही वो हमारा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें हर कोई अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है।
Note that the range of alternatives are limited to those that don't represent the ownership of one firm by another. Range of alternatives you have limited होती है जो कि represent नहीं करती ownership of firm another एक दूसरे की ownership को. Vertical integration or the formation of the joint venture which is unique legal entity and reflect the combined operation of two or more parties. जिस तरीके से दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप के दरमियान जब इत्तेहाद होता है तो वो पार्टनरशिप कहलाती है. इसी तरह जब दो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान अलायंस होता है किसी खास गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है. इस अलायंस के नतीजे में आने वाली जो कंडीशन होती है इसको हम यूनिक लीगल एंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ टू और मोर पार्टीज जिसमें दो या दो मुख्तलिफ पार्टीज मिलकर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करती है. ईच रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव दैट might imply even greater involvement than the partnership or strategic alliances. जिसके तहत होने वाले इत्तेहाद में शामिल होने वाले तमाम लोग बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ अपनी कॉम्पिटेंसीज जिसकी बुनियाद पर जिस बेनिफिट को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप या स्ट्रेटजिक अलायंस डेवलप किया है. यानी ये अलायंसेस डेफिनेटली रैंडमली नहीं डेवलप होते बल्कि दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप या दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी लेवल को ऑब्जर्व करते हुए अलायंसेस डेवलप करती है कि फ्यूचर में किस तरीके से हम अपनी स्किल भी अपनी कॉम्पिटेंसी से दूसरे की नीड्स को और दूसरा कौन सी अपनी स्ट्रेंथ से हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकेगा. तो ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली प्रोसीजर होता है जिसके बाद ये अलायंसेस डेवलप होते हैं. कंसिडरिंग दैट दे रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव लीगल form of ownership, however, they are not discussed in detail at this time. ये जितने भी alliances होते हैं ये जितने भी development of ownership होती है ये definitely legally recognized होती है जिसको हम legal aspect में भी detail में discuss नहीं कर रहे. अब हम इसमें बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर सप्लाई चेन रिलेशनशिप में डिफर इन न्यूमेरियस वेज. अ प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ दिस डिफरेंसेस फॉलो. ड्यूरेशन के हमारे जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए. यानी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट डिटरमाइन होगा तो क्या मुद्दा तो कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा या लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा. ऑब्लिगेशन जब दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप या दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई इतिहास कर रहे हैं तो इनमें एक दूसरे की इनकी दरमियान में होने वाली ऑब्लिगेशन क्या होंगी. एक्सपेक्टेशन सबसे अहम चीज होती है कि एक्सपेक्टेशन क्या है. अलायंसेस की कंसिस्टेंसी अलायंसेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन को मीट करना. जब दो ग्रुप दो इंडिविजुअल या दो ऑर्गेनाइजेशन अलायंसेस करते हैं तो डेफिनेटली इनके दोनों के दरमियान में एक दूसरे से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होती है. अगर ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और रियलिटी में जो अचीवमेंट है वो कम होगी तो अलायंसेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करते. अगर ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो अचीवमेंट है वो बराबर होंगे तो ये अलायंसेस लॉन्ग टर्म बेसिस पर सर्वाइव कर सकेंगे.
एक्सपेक्टेशन जो है एक दूसरे से ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होनी चाहिए ताकि हम अपने अलायंसेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर कंटिन्यू कर सकें। एक और फैक्टर है इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। अलायंसेस की लॉन्ग टर्म बेसिस पर सर्वाइव करने में एक अहम रीज़न है इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। जितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, जितने लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूटिलाइज किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा बिजनेस में एरर और मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज कम होगी, और जितने एरर और मिस्टेक कम होंगे उतने ही बिजनेस में डिलीवरेंस होने के बराबर होगी, और नतीजा ये होगा कि बिजनेस जो है स्मूथली रन होगा और दोनों पार्टी एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब होगी। इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इंडस्ट्रियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारे इंटरेक्शन है ये भी, तो ये भी बड़ा एक अहम फैक्टर है इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। फिर आता है व्हाट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा राइट्स और फेवर को। जब दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में अलाइंस करती है तो उनके दरमियान इन द लाइट ऑफ लॉ डेवलपमेंट होती है लीगल डॉक्यूमेंट यानी एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, और ये लीगल डॉक्यूमेंट डिटरमाइन करते हैं उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन को जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पहले से एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जब अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही होती हैं तो ये डायरेक्शन कहलाती है राइट्स, कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को सिक्योर करे। लेकिन बाद में उस एग्रीमेंट से बढ़कर अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्राइसिस, अगर अलायंसेस में शामिल होने वाले किसी ग्रुप को एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा किसी एडवांटेज की जरूरत है, अब यहाँ पे बात राइट्स की नहीं आती, यहाँ पे बात आती है फेवर की। क्या अलायंसेस डेवलप होने में शामिल होने वाले लोग दूसरे के लिए कॉर्पोरेशन के बारे में रखते हैं? अगर वो फेवर प्राप्त करेंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे दूसरे से, तो नतीजा ये होगा कि ये अलायंसेस टाइम टू टाइम मजीद स्ट्रांग होते चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये सर्वाइव करेंगे। फिर अहम रीजन है प्लानिंग का, कि जो प्लानिंग है वो पहले तो प्लानिंग दो पार्टी की इंडिविजुअल जो अपने लिए करते हैं, अपने प्लान जो कोलैबोरेटिव होता है, जो कलेक्टिव होता है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप आपस में किस तरीके से परफॉर्म करके आपस में परफॉर्म करके किस तरीके से आगे जाएंगे। तो ये जो वो तरीका है प्लानिंग जो है बुनियादी तौर पर अलायंसेस के दरमियान में बहुत अहम रोल प्ले करती है, और इस प्लान की बुनियाद पर हम फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल और हैंडल करते हैं। फिर गोल्स को डिटरमाइन करना, कि गोल्स भी हम सकते हैं कि दोनों पार्टी या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या है और वो कौन सी गोल्स हैं जिसमें दूसरे की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस को जज करना, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना,
पहले तो अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है कि वो परफॉर्मेंस फेवरेबल है या नहीं है, फिर दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस को रियलाइज करना कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही है या नहीं कर रही है, बेनिफिट एंड बर्डन ये देखना है कि वो क्या बेनिफिट है जो इस अलायंस से हमें मिल रहा है, वो क्या बर्डन है जो हमें बियर करना पड़ रहा है। तो ये वो तमाम की पॉइंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स अलायंसेस, कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स रिलेशनशिप, कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पर कहाँ तक जा सकते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट ड्यूरेशन होंगे कि ड्यूरेशन प्लान होगी, ऑब्लिगेशन क्या क्या होंगी, एक्सपेक्टेशन एक पार्टी को दूसरी पार्टी या दूसरी को पहले से क्या होगी, इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन जो ग्रीवेंसेस और एरर और मिस्टेक को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, कॉपरेशन जब हम अपने राइट से बढ़कर फेवर की तरफ जाते हैं तो कॉपरेटिव डेवलप होती है, प्लानिंग फ्यूचर की फर्टिलिटी को कम करने के लिए होती है, गोल्स जो कि चैलेंजिंग होती हैं बट पॉसिबल होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल डिटरमाइन करते हैं कलेक्टिवली अचीव करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस हम परफॉर्मेंस को रियलाइज या अंडरस्टैंड करने के लिए एनालाइज करते हैं, एंड बेनिफिट्स एंड बर्डन कि हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या मिल रहा है बर्डन क्या आ रहा है। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर, मोस्ट कंपनीज फील दैट देयर इज सिग्निफिकेंट रूम ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ द रिलेशनशिप दे हैव डेवलप्ड विद देयर सप्लाई चेन पार्टनर। ज्यादातर कंपनी जो फील करती है वो करती है सिग्निफिकेंट रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट कि जब वो डिफ्रेंशिएट करती है कि अलाइन से पहले उनकी परफॉर्मेंस की कंडीशन क्या थी और स्ट्रेटेजिक अलाइन डेवलप करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके अंदर एक खास इंक्रीमेंट नजर आता है, एक बेहतर पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है, और यही वजह है कि इससे इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप हाईलाइट होती है। द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर शुड हेल्प टू अंडरस्टैंड सम की वेज इन विच फर्म से इम्प्रूव एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप दे एक्सपीरियंस विद अदर मेंबर ऑफ देयर सप्लाई चेन। ये जो टोटल हमने इसके अंदर कंटेंट फोकस किया है इसकी बुनियाद पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो रिलेशनशिप डेवलप होते हैं उन रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो हमारे आउटकम की क्वालिटी में इजाफा होता है, यानी आउटकम की इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है, उस बिजनेस से हासिल होने वाले आउटकम की एफिशिएंसी में इजाफा होता है, और यही वजह है कि एज कम्पेयर टू पास प्रेजेंट में हमें बहुत ज़्यादा नए नए अलायंसेज बिजनेस के अंदर नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में मजीद मल्टीप्लाई होकर एक लार्ज क्वान्टिटी में तब्दील हो जाएंगे। तो ये एक अहम फैक्टर है जो कि हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अलायंसेज क्या बेनिफिट फराहम करते हैं हर पार्टी। The model of developing implementing successful supply chain relationship, हम अगर मॉडल की बात करें तो सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप की कंसिस्टेंसी के लिए बनाया गया है, इसके अंदर लेट अस अज्यूम दैट द मॉडल इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड देन कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद सप्लायर ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस ट्रांसपोर्ट फर्म वेयरहाउस वो तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो कि हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ लॉजिस्टिक सर्विस सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस। जैसे ही हम इन लॉजिस्टिक सर्विसेज से अलायंसेज डेवलप करते हैं तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी, हमारे बिजनेस की इफेक्टिवनेस जो है मल्टीप्लाई जाती है, और जब हम ट्रेडिशनली इनको डील करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी
जनरल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, तो उस वक्त हमारे बिजनेस, उस वक्त हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी और हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती है। तो ये जनरली एक हमारा एक्सपीरियंस है जो हाईलाइट करता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप एनहेंस करते हैं अचीवमेंट और परफॉर्मेंस। स्टेप वन एक्सपेंडिंग एफिशिएंसीज, सभी बात की थी कि हम इसकी बुनियाद पर जो है अपनी एफिशिएंसीज में इजाफा करते हैं। आज की क्लास की ड्यूरेशन जो है वो एंडिंग की तरफ आ गई है, तो हम लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हम रिव्यू करेंगे कि आज की क्लास हमने स्टार्ट कहाँ से की थी। आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी इस डेफिनेशन से, SCR अकॉर्डिंग टू रबर डेवलपर्स। उसके बाद जो है ना फ्यूचर सक्सेस, फिर हमने बात की थी रॉबर्ट मॉस हंटर की, इन्होंने क्या डिफाइन किया है स्ट्रेटेजिक एलायंसेस और रिलेशनशिप से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी लॉजिस्टिक रिलेशनशिप, जिसके अंदर टू टाइप्स है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हमने डिटेल में देखा वर्टिकल रिलेशनशिप किस किन लोगों से होते, किन डायमेंशन में होते। फिर हमने वर्टिकल रिलेशनशिप का टाइप देखा था। फिर हमने देखा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी किन डायमेंशन में होते, किन लोगों से होते। फिर हमने देखा है कि अटैक क्या होता है बिजनेस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है सप्लाई चेन रिलेशनशिप के अंदर। फिर हमने इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू देखते रहे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर देखा वो तमाम अहम की फैक्टर जो आपके सप्लाई चेन रिलेशनशिप के अंदर कंसिस्टेंसी में इजाफा करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर ले जाते हैं। फिर हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर, जो कंपनीज एलायंसी डेवलप करती हैं वो किस तरीके से दूसरी की कॉम्पिटेंसी से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करती है। फिर हमने देखा मॉडल ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्लास को हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि मॉडल ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप है ऐसा क्या है और इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं और इसके की फैक्टर क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मैं अटेंडर के लिए स्नैपशॉट लूंगा। यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी तो टाइम एंड हो गया, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे या नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।